कॉर्डेलिया क्रूज पे 5 दिन के पैकेज का कितना खर्चा आता है? क्या हमें कॉर्डेलिया क्रूज पे जाना चाहिए या नहीं? नमस्ते, आज मैं आप सबको ना पूरा क्रूज का टूर कराने वाली हूँ कि क्रूज में क्या क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज है, बहुत ही फन होने वाला है। जल्दी से ढेर सारे लाइक करो। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कितना मस्त है, मतलब देखो ना कितनी सारी लाइट्स है यहाँ पे। यही है क्रूज की मेन एंट्रेंस। जब हम फर्स्ट डे क्रूज पे आए थे तो इसी एरिया में हमारा वेलकम हुआ था। तो है ना यहाँ पे 10th फ्लोर है, तो है ना 5th फ्लोर से मैं पूरा 10th फ्लोर तक आप सबको पूरा एक्सप्लोर कराने वाली हूँ कि इस क्रूज में ना क्या क्या है। जहाँ पे लाइव कॉमेडी शोज चलते हैं, आपको सेम फील आएगा जैसे आप कपिल शर्मा शो को लाइव हॉल में देख रहे हो। यहाँ पे ना बहुत सारे शोज होते हैं थिएटर में, बल्ले बल्ले शो हो गया, फिर मैजिकल शो हो गया, बहुत सारे शो होते हैं। तो अगर आप है ना आओगे ना तो आप ये शोज देख सकते हो, बहुत मस्त होते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पीछे की साइड क्लब एरिया है, यहाँ पे ना डांसिंग होता है, सब कुछ होता है। ये क्लब सेम डिस्को या पब जैसा है और आप यहाँ पे जब भी कुछ खाने को लोगे उसके लिए आपको पे करना होगा अपने रूम के की कार्ड से जिसमें आपने पैसे लोड किए हैं। चलो अभी हम लोग है ना 6th फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पे है ना क्या क्या है। लेट्स गो। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ना 4 लिफ्ट है, लेकिन हमें ना इधर से व्यू लेते लेते जाना है और आप सबको भी व्यू दिखाना है, इसलिए हम ये वाली लिफ्ट से जाएंगे। लेकिन यार ये लिफ्ट कब आएगी? खुल जा सिम सिम जादू। अभी हमें ना 6th फ्लोर पे जाना है। चल इस साइड से आप व्यू देखना है, ठीक है? कितना अच्छा है ना यार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। चलो तो इधर भी पीछे की साइड थिएटर है जो अभी बंद हो चुका है, तो अंदर से आप सबको क्या दिखाना है ये देखो। यहाँ पे ना बालकनी भी है। एक सेकेंड, तो दिन में ये 6th फ्लोर वाला डेक ऐसा दिखता है। आप जितने नीचे वाले फ्लोर पे रूम लोगे शिप कम हिलेगी, और जितने ऊपर वाले डेक पे रूम लोगे शिप थोड़ी ज्यादा हिलेगी, बट ओशन व्यू बेस्ट आएगा। चल अंदर। और ये बैग भी है यहाँ पे, ऐसे हैंड बैग। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। ओके और इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे मग्स है, और यहाँ पे ना वॉच भी है। और बहुत सारी नेकलेस। चलो उधर की साइड चले, आ जाओ। यहाँ पे भी देखो मग्स है, टी शर्ट है, कैप्स है, फिर बैग भी है बहुत सारे। आ जाओ इधर चलो। देखो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कितनी सारी चीज है ना यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। वाह ये देखो कितना अच्छा, ये स्नैक भी अच्छा है देखो, और जिसको डोरेमोन पसंद है यहाँ पे डोरेमोन भी है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आप यहाँ पे जो भी शॉपिंग करोगे उसकी पेमेंट डॉलर में होगी।
मम्मी ये बैग देखो ना कितनी अच्छी है। चल डायमंड वाली बैग। चल आगे क्या है? यहाँ पे है ना कैसीनो भी, आप है ना कैसीनो में खेल सकते हो। देखो इस साइड कितने सारे हैं। चल गाइस मैं नहीं खेल रही हूँ, बंद है मशीन। एरिया में घूमने आ सकते हो, लेकिन अपने पापा लोगों पे थोड़ा ध्यान रखना। सिर्फ यहाँ पे घूमने आना, खेलना कुछ नहीं। हाय हाय, हाय किस माय फेवरेट, किस किस का फेवरेट है बता दो। तो ये जो क्रूज है ना, क्रूज का टूर मैं आप सबको करा रही हूँ ना, ये फिफ्थ फ्लोर से चालू होता है। तो अभी हमने ना सिक्स्थ फ्लोर कवर कर लिया, फिफ्थ फ्लोर भी कवर कर लिया, अभी सेवन्थ फ्लोर पे चलते हैं। तो सेवन फ्लोर पे ना इतना कुछ नहीं है, बस वहाँ पे ना इंटरनेट कैफे। आज मैं आप सबको दिखाती हूँ इंटरनेट कैफे। तो यहाँ आपको 4GB डाटा $100 का मिलेगा, मींस 8,000 रुपए का 4GB डाटा। तो आप 4-5 दिन के लिए इंटरनेट भूल ही जाना। तो शिप पैना रूम 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे फ्लोर पे होते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे रूम प्रीमियर होते हैं और महंगे होते हैं। तो ये देखो, ये रहा यहाँ पे इंटरनेट कैफे। चलो अभी 8th फ्लोर पे चलते हैं, जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जहाँ पे हमारी रूम है। तो अभी हम लोग है ना 8th फ्लोर पे जा रहे हैं, जहाँ पे ना हमारी रूम है, जो है ओशन व्यू प्रीमियर। अभी हम 8th फ्लोर पे जाएंगे, फिर उसके बाद में हम 9th फ्लोर एंड 10th फ्लोर पे जाएंगे। तो ये जो 8th फ्लोर है ना, यहाँ पे सिर्फ रूम से ही है। तो चलो मैं रूम से दिखा देती हूँ आपको रूम कैसे होते हैं, ठीक है? तो आपको शिप पे जब भी रूम लेनी होगी ना, तो शिप के बैक साइड पे रूम लेना। वहाँ पे ना जब शिप चलेगी ना, तो ज्यादा नहीं हिलेगा और आपको चक्कर भी नहीं आएंगे। आ जाओ इधर से, सारे रूम स्टार्ट होते हैं। उधर की साइड भी है और इधर की साइड भी है। आ जाओ। तो हमारे पापा को है ना पहले ही पता था कि शिप में है ना सबसे पीछे रूम लेना चाहिए, ताकि है ना शिप में ज्यादा चक्कर नहीं आएंगे। तो पापा ने ना सबसे पीछे ही रूम ली। यहाँ पे ना बहुत सारे रूम है, तो मैं आपको है ना हमारा रूम ही दिखा देती हूँ कैसे होता है अंदर से। ओके, तो ये रहा हमारा रूम। चलो कृष्णा हाउसकीपिंग नाम लेके हम हाउसकीपिंग बोलेंगे। प्लीज ओपन द डोर। हाय, आ जाओ आ जाओ, आपका स्वागत है हमारे रूम में। रुको मैं आप सबको दिखाती हूँ। अभी तो रूम है ना मैं सो गया, सो इग्नोर ना। अगर आप ये सेम रूम 6th फ्लोर पे लेते हो, तो आपके पूरे पैकेज में से 4,000 रुपए कम हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ना ऐसे ऊपर भी बेड होते हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है। पापा भी सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो अभी 9th फ्लोर पे चलते हैं हम। ये देखो यहाँ पे ना और भी बहुत सारे लोगों के रूम से। अभी हम ना इस साइड से चलते हैं 9th फ्लोर पे। वाओ ये पेंटिंग देखो ना कितनी अच्छी है। देखो यहाँ पे ना सोफा वगैरह भी है बैठने के लिए। उस साइड है ना पूरा सी व्यू दिखता है। अभी तो रात है ना, तो अभी नहीं दिखेगा। मस्त यहाँ पे बैठ के सी व्यू का एंजॉय करेंगे हम। ये देखो नीचे कांच है, कांच। तो आप जब भी रूम बुक करना ना, तो ओशन व्यू वाली रूम बुक करना, जहाँ पे विंडो हो, वरना विदाउट विंडो तो आपको जेल वाली फीलिंग आएगी। मम्मी बोल रही है सीढ़ियों का उपयोग करेंगे, ठीक है? चलो एक फ्लोर ही तो ऊपर जाना है। तो अगर आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी है ना, तो आप ऐसे सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हो। देखो सीढ़ियों से हम आ गए 9th फ्लोर पे। यहाँ पे भी सेम 8th फ्लोर के जैसे है ना, यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए सोफा है और इस साइड है ना रूम्स है। तो 9th फ्लोर पे होते हैं मिनी स्वीट रूम, जिसमें है ना बालकनी भी होती है। यानी कि आप बालकनी में बैठ के भी है ना पूरा समंदर का नजारा देख सकते हो। तो अभी 10th फ्लोर पे है ना सारा जो भी खाना वगैरह होता है डेक के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें घूमने के लिए, और स्विमिंग एरिया भी है। चलो ब्लेड से चलना। यार 4th फ्लोर पहले आ जाओ। मेरे है ना इस साइड भी रूम्स है और इधर की साइड भी रूम्स है, दोनों साइड रूम्स होते हैं। इधर से दिखा और इधर आ जाओ मेरे साथ। कितनी बड़ी शिप है ये। हाँ मैंने इसके ये भी दिखाती हूँ मैप। ये देखो इस साइड भी बहुत सारे रूम्स है और ये रही शिप का मैप। अभी हम है ना 9th फ्लोर पे। ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी शिप है ना यार। ये मुझे तो है ना बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत। अभी हम है ना 10th फ्लोर पे आ गए। चलो जो भी सारी एक्टिविटीज होती है ना, वो 10th फ्लोर पे होती है।
है जैसे कि खाना, स्विमिंग पूल, फिर डीजे, पार्टी, डांस वगैरह, वो सब 10th फ्लोर पे होता है। देखो इस साइड है ना डाइनिंग एरिया है और ये है ना एक रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे ना पेड़ करके भी खाना खा सकते हो। रेस्टोरेंट, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ होता है, बट यहाँ पे पेड़ होता है। अरे इस साइड से बाहर चले। हाँ चल। यहाँ से भी पूरा समंदर दिखता है। जहाँ से आप है ना दरवाजा खोलते हो ना, वहाँ से समंदर ही समंदर दिखता है। अभी है ना 10th फ्लोर पे डीजे पार्टी चल रही होगी और जबरदस्त डांस हो रहा होगा। तो ये है डांस फ्लोर और अभी यहाँ पे पार्टी चल रही है और उसी के साइड में है स्विमिंग पूल और थोड़ा आगे जाके है बुफेट वाला रेस्टोरेंट, जहाँ पे दिन में 5 टाइम बुफेट होता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स होता है, जिसके आपको अलग से पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं एंड वो आपके टिकट में ही इंक्लूड होता है। देखो यहाँ पे ना खाने का मेन्यू लगा है डिनर का कि क्या क्या है आज डिनर में। ओके चलो अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ खाने का मेन्यू रोज अलग अलग होगा तो आप रोज एक ही खाना खा के बोर नहीं होंगे। देखा आप सब ने यहाँ पे कैसे खाने का बुफेट होता है। और हाँ यार मैं आप सबको क्या बताऊँ, खाना इतना यम्मी होता है ना, बहुत टेस्टी खाना होता है। तो 10th फ्लोर पर ना इतना ही है बस। भी होता है और स्पा पता है कितने का होता है? 8,000 रुपए का स्पा होता है यहाँ पे। तो अभी ना मैं आप सबको यहाँ का मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ। आपने ना नाइट का व्यू तो देख ही लिया है, आपको नाइट का व्यू कैसे लगा मुझे जल्दी से बताना। सुबह मैं आप सबको दिखाती हूँ मॉर्निंग व्यू कैसे आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा शिप पर लास्ट डे। यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि शिप में ही रहूं और पूरा समंदर देखती रहूं। लेकिन क्या कर सकते हैं, 4 दिन हमने शिप में बिताया है ना बच्चे। हाँ। कितना अच्छा लगा ना 4 दिन शिप में बिता के। चल जल्दी से ऊपर चलते हैं हम लोग, हम डेक नंबर 10 पे चलते हैं ऊपर। आ जा। तो हमने ना पैकिंग वगैरह सब कर लिया और अभी है ना हम लोग जा रहे हैं ब्रंच करने के लिए। 12 बजे तक का टाइम है, मम्मी पापा भी आते ही होंगे। तो मैंने कृष्णा को बोला कि हम ही चलते हैं पहले। बच्चे देखने यार आज लास्ट डे शिप पे अपना। आज हमारा क्रूज पे लास्ट डे है तो मैं ये समंदर का सारा नजारा जी भर के अपने आँखों में भर लेना चाहती हूँ। यार लाइफ में फर्स्ट टाइम हम क्रूज पे आए ना, और फर्स्ट टाइम वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ही अमेजिंग वाला एक्सपीरियंस होता है। मैं तो है ना और एक बार शिप पे जरूर आऊंगी। मैं ना आप सबको और ऊपर वाले डेक पे लेके चलती हूँ, वहाँ से व्यू दिखाती हूँ। चल बच्चे पहुंचने वाली है। और देखो ना यार यहीं से आना इतनी दूर से सिटी दिखाई दे रही है। अभी हम है ना सिर्फ आधे घंटे में चेन्नई में होंगे। यार अभी हम कुछ ही देर में चेन्नई पहुंच जाएंगे। देखो ना वहां पे सामने ना सिटी दिख रही है ना बच्चे। शिप देखो ना यहाँ कैसे चल रही है और सामने आ रहा है चेन्नई। यार सच्ची देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, सामने ना पूरी सिटी दिख रही है और हम ना सिटी के धीरे धीरे पास में जा रहे हैं। बहुत तेज हवा चल रही है ना, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आज हमारा क्रूज पे लास्ट ब्रेकफास्ट प्लस लंच होगा, जिसको ब्रंच बोलते हैं। क्या क्या लाए? तूने कुछ नहीं लिया? नहीं अभी जा रही हूँ मैं लेने। दिखा। नहीं लिया। वाव। ये क्या है मम्मी, कटलेट है ये? नहीं शाम मैंने लिया। एक तेरा, एक उसका, एक मेरा। वाह तीनों का तीन। हाँ
ये तो खाएंगे। मैं नहीं खा रही। तो देखो आज है ना शिप पे लास्ट डे, और लास्ट डे ना मैं इडली सांभर खा रही हूँ। और ये पापड़ मैंने क्यों लिया, पापा के लिए लिया। ये लो पापा, पापड़ खाओ, ऐश करो। बस इडली सांभर खाऊंगी मैं। ये मेरे साथ नहीं है। ये नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है। तो कौन है आपके साथ? जाओ क्या? मीठा नहीं खाने गए? कहाँ मीठा। लास्ट डे है यार, मीठे का फायदा उठा रहे हैं। कौन सा लेना बताओ ना, वो चॉकलेट वाला। हाँ। मम्मी को मीठा या फिर ये वाला ले, जो दिखने में अच्छा लग रहा है वही लेना है। ये वाओ, इधर भी है वो। हेलो, हाय। अच्छा मिस कर देंगे मीठा। और लेने के चक्कर में कड़वा हो गया। बहुत कड़वा है, बहुत ज्यादा है। मम्मी और लो, और डालो उसमें चॉकलेट, और डालो। बहुत कड़वा। अब मम्मी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि मम्मी ने बोला था इसपे चॉकलेट डालने के लिए। कैसा है? अच्छा है। देखा देखा, अच्छा है। ए, ये देखो ये बोट है ना, अभी ये शिप को है ना ये करने के लिए आई। क्या बोलते हैं उसको मम्मी, रोकने के लिए ना। रेसिंग लगा रहे ये तो। वाह, हाय, हम दिख रहे हैं तुमको। और देखो हम चेन्नई पहुंच गए। बच्चों बोल। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चेन्नई। मम्मा तू भी बोल दे। दोस्तों हम लोग चेन्नई पहुंच गए। लेकिन क्या है, आज लास्ट डे है ना, तो हमने सोचा कि हम है ना सब खाना ट्राई करेंगे एक बार, है ना मम्मी। इतने दिनों से बस हमने दाल चावल और दो तीन सब्जी खाई है। हाँ, लास्ट डे में पूरा पेट भर के जाएंगे। ट्राई किया सब। ये रही चेन्नई सिटी। हाय चेन्नई, चेन्नई से कौन कौन है बताओ तो कमेंट्स में। ये रही व्यू वाली, क्या लिफ्ट, व्यू वाली लिफ्ट। सबको निकाल के रखिए कपड़े। कपड़े नहीं है, वो बैग है, बैग थैला। अच्छा, पापा से पूछेंगे किस काम का है वो। सभी के दरवाजे के बाहर है। हाँ वही मैं सोच रही हूँ वो क्या है। ऊपर कितना मस्त दिख रहा था, हम कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा मुंह करना, हेयरड्रेसर ही दिख रही तो। अच्छे से, अच्छे से। ऐसे ठीक है, हंस रही हो ना? हाँ हंस थोड़ा सा। मैं तो पहले वो जो पार्लर में से सड़ा हुआ मुंह करता ना, ऐसे कर रही थी। Good afternoon, ladies and gentlemen. Requesting all our guests from deck number 9 to kindly start proceeding towards the runway on deck number 2. Abhi nikalenge, abhi 9 number wale nikalenge, fir apan 8 number wale. Nahi jaane papa, dekho kab utrenge hum. Are wo sab chhod, lekin koi itna plate bhar ke kabhi koi leta kya? मेरा पेट दुख रहा बहुत, पापा ने नजर लगाई मुझे। क्यों पापा नजर लगाया मम्मी को, है ना ये भी हो रहा है, डका दिया रे, पता नहीं क्या क्या खाया मम्मी। एसिडिटी हो रही मुझे, पेट दुख रहा। बोला था इतना प्लेट भर के दो दो प्लेट खाने के लिए, तो सब टेस्ट करना भी जरूरी है ना। आप नहीं करते, हम करते। आप ऐसे भागे वहाँ से कि जैसे कोई हम पहचानते नहीं आपको। मैं नहीं पहचानता, ज्यादा खाना खाने वालों को।
वो क्रूज वाले भी बोलेंगे कि बाप रे ये अकेला पूरा राशन खत्म कर दिया इसने। ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे क्रूज वाले, बोल रहे थे मैम और कुछ चाहिए क्या। हाँ, वो पूछ रहे थे आके मैम। अरे तो आज लास्ट डे है ना, तो उनको ऐसे लग रहा होगा कि भाई ये खाना वैसे ही रह जाएंगे, इसलिए मैम और खा लो आज। बस हो गया अभी हजमोला गाए। तो ये रूम है डबल बेड वाली रूम, ओनली फॉर 2 पर्सन। यहाँ पे ऊपर बेड नहीं रहता है ना। ये रूम कितनी अच्छी है, बट यहाँ पे ऊपर बेड ही नहीं है। अरे इधर बेड कहाँ है यहाँ पे ऊपर? वो अपने 4 लोगों के लिए थी, तो सही थी एकदम वो। हाँ, जो अपनी रूम होती है ना वही अच्छी होती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये श्रीलंका के ट्रिप का टोटल खर्चा कितना आया। प्रीमियर ओशन व्यू रूम का कॉस्ट हमें पड़ा 1,61,000 4 लोगों के लिए, चेन्नई से लेके श्रीलंका एंड फिर से चेन्नई पे ड्रॉप किया। आप सभी डिटेल्स इस बिल पे देख सकते हो। बाय बाय क्रूज, ये बहुत मिस करेंगे यार। यहाँ पे लाइट्स है ना, बहुत अच्छे लगता है रात में। तो अभी हमारा क्रूज से बाहर जाने का टाइम आ गया है, तो हमारी याद के लिए हमारी ये कैबिन की कार हमारे साथ ही जाएंगे। बाय बाय बाय, विल मिस यू सो मच, ये लो। बाय 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 बाय। यार मैं ये क्रूज को बहुत 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 ज्यादा मिस करूंगी। कॉर्डेलिया क्रूज के साथ बहुत सी यादें जुड़ गई है। कृष्णा का बर्थडे भी कॉर्डेलिया क्रूज पे यादगार हो गया। श्रीलंका से भी बहुत सी यादें जुड़ गई। वो क्या होता है ना, हम सब अपने आप से कहते हैं कि हम फिर से क्रूज पे आएंगे, पर पता नहीं फिर से हमारा कब क्रूज पे आना होगा या फिर कभी नहीं। फिर से एक बार चेक करानी पड़ती है, फिर उसके बाद में अभी हम लोग है ना बाहर जा रहे हैं, और यहाँ से है ना हमें जाना है रेलवे स्टेशन, क्योंकि चेन्नई से हम लोग जाने वाले हैं हैदराबाद, वो भी ट्रेन से ही। ट्रेन जर्नी भी खूब इंजॉय करेंगे, आप बस देखते रहना किसमें। फाइनली हम लोग जा रहे हैं क्रूज से दूर। आपको बुरा लग रहा है ना, मिस करोगे ना आप क्रूज को बहुत बहुत ज़्यादा। मैं बार बार क्रूज को ही देख रही हूँ, हमारी नज़र उधर ही जा रही है क्रूज पे। पापा आप मिस करोगे, बड़े से घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, बट हमने फैमिली के साथ अपने लाइफ के 5 डेज एक 4 बेड वाली कैबिन में बिताए हैं। 24 आवर्स सारी फैमिली साथ रही। हमारे पास मोबाइल था मगर इंटरनेट नहीं था। हमने हमारी लाइफ के 5 डेज बिना इंटरनेट के बिताए और बहुत अच्छा लगा। और अभी हमें जाना है ट्रेन से अपने घर, बट ये बिंदास काव्य है जिसकी लाइफ में कभी कोई चीज इजीली नहीं होती। ट्रेन के टिकट्स हैं वेटिंग में, तो क्या आप ट्रेन के डोर्स के पास बैठ के घर जाना पड़ेगा। अब देखते हैं हम घर कैसे पहुंचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और चेन्नई में साउथ इंडियन ड्रेसेस की शॉपिंग की जाए।